हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती कैश जोन। आज का जो वीडियो है सिसिलियन की सीरीज के सामने, हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन, मैं कंटिन्यूज आपको बनाता रहता हूँ। आज ये फोर्थ वीडियो है सिसिलियन के सामने कैसा खेला जाए। अगले तीनों वीडियो आप देख लीजिए, और आज के खास वीडियो में आपको एक्सेलरेटेड ड्रैगन के सामने कैसे खेला जाए उसके बारे में डीप में मैं बताऊंगा, बहुत ही डीप में, मतलब सभी मूव बाय मूव आप इसको सीख के अच्छे से गेम में टूर्नामेंट ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिसिलियन डिफेंस के सामने कैसे खेला जाए। e4 c5, ये है सिसिलियन, और इसकी जो मेन लाइन है Nf3, ब्लैक Nc6, देन d4, c takes d4, Nf4 एंड g6। तो ये है प्रॉपर सिसिलियन एक्सेलरेटेड ड्रैगन। चलिए यहां पे हम ड्रैगन, अगर ब्लैक को आपको खेलने नहीं देना है तो क्या करना है। तो सेकंड मूव मैं आपको बेस्ट मूव बताऊंगा, Nf3 मत खेलिए, यहां पे आपको खेलना है Nc3, जो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज सिसिलियन में। ब्लैक यहां पे रिप्लाई देगा Nc6, ड्रैगन प्लेयर है, और यहां दूसरा बेस्ट मूव है Bb5। Bb5 में दो बेस्ट मूव है, एक तो है Qc7, जो अपने स्ट्रक्चर को ब्लैक अगर बिगाड़ना नहीं चाहता है तो Qc7 बेस्ट है, और दूसरा जो वेरिएशन है Nd4। ज्यादातर लोग Nd4 प्रीफर करते हैं, क्योंकि Qc7 अगर खेलता है तो क्या होता है, Qc7 में आपको क्या खेलना है, यहां पे सिंपल Nf3, ब्लैक प्लेयर a6, बिशप टेक्स c6, आफ्टर क्वीन टेक्स c6, d4, c takes d4 और Nf4। अब ये पोजीशन कंप्लीटली व्हाइट के फेवर में है, ब्लैक के सारे माइनर पीसेस अंदर ही है, और व्हाइट के दो नाइट डेवलप हो चुके हैं, सेंटर भी कंट्रोल हो चुका है, सेंटर में नाइट ने पॉन को सपोर्ट भी दिया है, ये नाइट क्वीन पे अटैक भी कर रही है, तो इतना कंपेंसेशन इनफ है गेम में जीतने के लिए, क्योंकि ब्लैक के कोई पीसेस डेवलप नहीं है। व्हाइट गोइंग टू कैसल नाउ, तो ये पोजीशन व्हाइट की फेवर में रहेगी काफी हद तक। चलिए बेस्ट चॉइस ब्लैक के लिए देखते हैं, इसमें Bb5 के सामने नॉट Qc7, Nd4। Nd4 ये बेस्ट चॉइस है, यहां से आपको खेलना है Bc4। ध्यान रखिए ये चार मूव हो गए आपके, e4 c5 nc3 nc6 bb5। अब यहां पे Nd4 ये मेन है, ओके। Nd4 में आपको खेलना है Bc4। चलिए यहां पे क्या रिप्लाई हो सकता है ब्लैक का इस पोजीशन में, तो सबसे बेस्ट दो ही चॉइस है, एक तो अगर ड्रैगन प्लेयर है तो g6 करेगा, और दूसरा उसके पास e6, ये दो चॉइस है। ओके, पहले देखते हैं g6, व्हाट हैपन आफ्टर g6। यहां आपको खेलना है Ng e2, बिशप टू g7, और यहां सबसे बेस्ट ऑप्शन Nd4। पॉन टेक्स नाइट, और यहां दोस्तों एक ब्रिलियंट मूव है, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। यहां पे Qf3, चेकमेट की थ्रेट। चलो Qf3 के सामने अगर ब्लैक ने Nh6 से सपोर्ट किया तो क्या होगा, यहां पे सिंपल आपको d3 करना है। पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे बिशप टेक्स नाइट और Qf7 चेकमेट की थ्रेट है। तो जब आप d3 करोगे तो ब्लैक के पास एक ही बेस्ट चॉइस है, कैसलिंग। कैसलिंग में Nd2, d6, आइडिया क्या है, बिशप g4 का, तो यहां सिंपल एक बार h3 कर दीजिए, और ये आप देख सकते हो कि कंप्लीटली व्हाइट के दो माइनर पीसेस डेवलप, क्वीन अटैक में है, और ये नाइट टोटली बैड हो गया है, क्योंकि ना तो नाइट f5 आ सकता है,
g4 आ सकता है और ना ही पॉन f5 हो सकता है, क्योंकि पॉन बिशप से पिन है और ये डबल पॉन भी हो गया है ब्लैक का सेंटर में, इसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे नाइट h6 के बारे में आपने देख लिया क्या होता है अगर ब्लैक नाइट h6 खेलता है। चलिए मेट बचाने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, नाइट टू f6। नाइट f6 में सिंपल नाइट b5 d4 पॉन पे अटैक। अब ये e5 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर e5 नाइट d6 चेक एंड किंग गोज एनीवेयर, नाइट टू f7 फोर्क के साथ आप मटेरियल अप हो जाते हैं, तो e5 से पॉन बचाने का पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन है क्वीन b6, पॉन को सपोर्ट करने का एक और ऑप्शन है, लेकिन आफ्टर e5 व्हाइट विल कंप्लीटली विन द पीस। अब e5 के बाद अगर नाइट मूव करता है तो मेट हो रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे ये ट्रिक खास ध्यान रख लीजिए, नाइट d4 के बाद पॉन टेक्स नाइट के बाद आपको क्या करना है। चलिए दूसरा वेरिएशन देखते हैं, यहाँ पे e4 c5 nf3 नहीं है, nc3 nc6 बिशप b5 नाइट d4 बिशप c4। अब यहाँ पे g6 ये जो मेन लाइन है, नाइट ge2 बिशप g7 नाइट d4 cd4 नाइट यहाँ पे क्वीन f3। अब दूसरी जो मेट बचाने के जो लास्ट ट्रिक है, मतलब ब्लैक को एक तो हमने ये चॉइस देख ली, नाइट h6 भी देख लिया, अब फाइनल e6 अगर करता है तो यहां आपको खेलना है नाइट b4। नाइट b4 के बाद d6 पे चेक आ रहा है दोस्तों। अब ये चेक सेव करने का कौन से रास्ते हैं, तो एक तो है क्वीन b6, लेकिन क्वीन b6 के बाद अगर आप क्वीन f4 करते हो तो यहां नाइट d6 भी है, नाइट c7 भी है, और इसे रोकने के लिए पॉन पुश भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि f7 पे टारगेट है। तो क्वीन f4 यहां पे आपको बेस्ट चॉइस मिलेगी। व्हाट हैपन इफ क्वीन b6, आपको सिंपल क्वीन f4 करना है। ओके, यहां पे सपोज ब्लैक ने ये स्क्वायर कंट्रोल करने के लिए बिशप e5 कर दिया और इस पॉन को प्रोटेक्शन भी है, बिशप भी सेंटर में आ गया है, तो यहां आप क्या करोगे, बिशप e5 में c3 पॉन टेक c3 देन d4। अब बिशप को कंपलसरी b8 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर अगर बिशप ने छोड़ा लाइक बिशप g7 चला गया तो यहाँ पे नाइट d6 चेक और मेटिंग पोजीशन आ रही है। तो बिशप b8 फोर्स मूव है, बिशप b8 और उसके बाद सिंपल नाइट c3 और ये पोजीशन कंप्लीटली व्हाइट के फेवर में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट का ग्राफ भी बड़ा है, क्वीन नाइट और बिशप तीन पीस डेवलप हो चुके हैं और ब्लैक के सारे पीसेस लास्ट रैंक पे है, ना तो कैसल भी हुआ है और व्हाइट तुरंत कैसल करने वाला है, तो यहां भी व्हाइट की विनिंग है। ओके, यहां पे थोड़े और भी वेरिएशन है, सभी वेरिएशन आज मैं आपको दिखा दूंगा। और नाइट d4 e4 क्वीन f3 nh6 देख लिया, nf6 देख लिया, e6 के बारे में अभी डिस्कस हो रही है, e6 में आपको खेलना है नाइट b5। चले d6 ये बेस्ट चॉइस है, क्वीन b6 हमने देख लिया कि क्वीन b6 में आपको क्या करना है, क्वीन टू f4 और बिशप e5 में आपको क्या करना है,
सिंपल सी थ्री देन डी फोर, तो ये दोनों मूव आपके हाथ में है। अब एक और चॉइस है डी फाइव और दूसरी चॉइस है डी सिक्स। तो डी सिक्स और डी फाइव ये दोनों चॉइस में दिखाऊंगा। डी सिक्स अगर ब्लैक करता है यहाँ पे चेक रोकने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जबरदस्त मूव है क्वीन ए थ्री, बिशप एफ एट फोर्स मूव है। यहाँ पे पॉन को बचाने के लिए बिशप एफ एट फोर्स मूव है, क्योंकि किंग अगर मूव कर दिया तो कैसलिंग भी ब्रेक हो जाएगा और वाइट को बहुत फायदा हो जाएगा। बिशप ई फाइव क्यों नहीं, तो बिशप ई फाइव बहुत ही गलत मूव है, क्योंकि आफ्टर कैसल वाइट नेक्स्ट रेट एफ फोर और यहाँ पे पूरा डिजास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक को कंपल्सरी मूव है बिशप टू एफ एट, इस पॉन को बचाने के लिए फोर्स बिशप एफ एट, यहाँ सिंपल आपको नाइट डी फोर पॉन मार लेना है। और अब आप देख सकते हो वाइट एक पॉन प्लस है, दो माइनर पीसेस डेवलप है और क्वीन भी एक्टिव है। यहाँ पे ब्लैक अगर डिस्कवर की थ्रेट देता है बिशप टू क्वीन, तो यहाँ आपको सिंपल करना है बिशप बी फाइव चेक, ब्लैक बिशप डी सेवन, आफ्टर बिशप टेक्स डी सेवन क्वीन टेक्स डी सेवन और फाइनल मूव जो है क्वीन टू जी थ्री, आफ्टर पॉन टेक्स पॉन सिंपल क्वीन ई फाइव, रुक पे अटैक ओनली ऑप्शन रहता है एफ सिक्स और यहां पे क्वीन टेक्स ई फोर और ई सिक्स पे प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और ऐसे भी आप पॉन अप होके गेम आराम से खेल सकते हो। ओके, डिस्कवर्ड में ये प्रॉब्लम होता है। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं जी सिक्स के बदले, यहां पे अगर ब्लैक ने ई सिक्स कर दिया तब आपको कैसे खेलना है। अब आप सोचोगे कि ये तो नेक्स्ट मूव में एनी सेवन और कैसल, यहां आपको खेलना है एन जी ई टू, इग्नोर करो डी फाइव को, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। व्हाट हैपन डी फाइव, अब आपको लगेगा यहां पे देखो ये गेम इतनी बढ़िया है कि आप व्हाइट से आराम से जीत सकते। ब्लैक को लगता है कि सेंटर उसके हाथ में है, लेकिन कंपेंसेशन क्या है, व्हाइट ब्लैक का किंग जो है कंप्लीटली सेंटर में। तो यहां ऐसे मूव में आपको पॉन टेक्स पॉन, अब जो मैं मूव आपको बताने जाने वाला हूं वो थोड़ा सा मतलब रिस्की है लेकिन कंप्लीटली विनिंग है। डीप में कैलकुलेट करके हरेक मूव के आंसर आपको आने चाहिए, तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही मूव एक ढूंढ सकते हो। यहाँ पे मैं तो बता रहा हूं आपको, यहां आपको सैक्रिफाइस करना है नाइट टेक्स डी फाइव, सॉरी यहां पे हम एनजी टू खेलते हैं, एनजी टू के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट ई सेवन, आइडिया बिहाइंड दिस मूव डी फाइव, यहां हम कैसलिंग करेंगे और आफ्टर डी फाइव इस पोजीशन में आपको नाइट सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि किंग जो सेंटर में है उसका फायदा आपको तुरंत मिलने वाला है। पॉन टेक्स पॉन एंड देन नाइट टेक्स डी फाइव, ब्लैक विल कैप्चर योर नाइट। अब यहां से शुरू होता है अटैक, नाइट टू डी फोर सी टेक्स डी फोर और क्वीन एच फाइव विथ डबल अटैक डी फाइव नाइट पे और एफ सेवन पे टारगेट। तो ये मूव बचाने के लिए ओनली ऑप्शन है बिशप ई सिक्स, क्योंकि नाइट आप देख सकते हो मूव नहीं कर सकते, क्वीन एफ सेवन मेट आ रही है। तो बिशप ई सिक्स, बिशप ई सिक्स के बाद एक और ब्रिलियंट मूव है आर ई वन। आर ई वन में कुछ मूव है ब्लैक के पास लेकिन बचा कैसे सकता है। देखिए यहां पे अगर ब्लैक ने जी सिक्स से क्वीन पे अटैक किया तो सिंपल क्वीन टेक्स नाइट और बिशप पिन है तो क्वीन टेक्स क्वीन देन बिशप टेक्स कंप्लीटली वाइट की गेम हो जाएगी। जी सिक्स नहीं कर सकता पिनिंग से बचने के लिए, सपोज b
बिशप ए सी वन, बिशप ई सी वन, यहाँ पे रुक सैक्रिफाइस आएगा रुक ई सिक्स, क्योंकि पॉन ऑलरेडी पिन है। आफ्टर जी सिक्स यहां आप क्या करोगे, क्वीन टू ई फाइव काउंटर अटैक रुक पे, तो जी सिक्स भी पॉसिबल नहीं है और रुक ई सिक्स में पॉन टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है। ओके, यहां पे एक और रास्ता था ब्लैक के पास, आर ई वन के बाद मैंने एक गेम खेली थी जिसमें ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट टू एफ फोर, बहुत ही स्ट्रांग मूव दिखने वाली थी पहले कि यहां नाइट से बिशप को सपोर्ट और क्वीन पे अटैक, लेकिन आफ्टर बिशप टू बी फाइव सिंपली ये देखो बिशप भी पिन है, क्वीन तो कोई इंटरपोज नहीं करेगा और क्वीन टू ई सेवन और सिंपल क्वीन जी फाइव और आपको क्वीन टेक्स नाइट मिलता है। तो दोस्तों ये थी एक्सेलरेटेड ड्रैगन के सामने खेलने की जो लाइन है, आप ये कंप्लीटली तैयार कर लीजिए, बहुत मजा आएगा सिसिलियन के सामने खेलने में। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अलग अलग सिसिलियन के सामने खेलने के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सभी ओपनिंग के बारे में मैं वन बाय वन वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।